नमस्कार साथियों, सीबीपी का यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट ये है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक एक बात निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। हालांकि इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में और आपको बता देते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। उससे पहले सबको बता दें कि आप मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आईटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी सबको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये है आपके नंबर जो यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये वाला पहला जो नंबर है, आप इसे ज़्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो मेंबर जो बनेंगे, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ इसी नंबर से बना हुआ है। यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं और जो है आप इस पर फ़ोन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूरा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कैसे मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो आपके ज़िले के अनुसार पहले ही बनेगी। पहला, आपके ज़िले में जितनी जो है गवर्नमेंट ITI हैं, जिसे एक ज़िले में आपका मेन जो ITI गवर्नमेंट ITI होता है, वहाँ पर सारे डिटेल निकाले जाते हैं। अब वहाँ से आपका ज़िले के अनुसार आपका जो है कितना ज़िले में रैंक आया है, कितना मेरिट गया है, ज़िले के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद उस ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पहले ज़िले के अनुसार, फिर ब्लॉक के अनुसार, फिर इसके बाद ITI कॉलेज के अनुसार मेरिट तैयार होगा। फिर इसके बाद उस ITI कॉलेज में कितने सारे ट्रेड हैं, उन ट्रेडों में कितने ट्रेडों में कितना रैंक किया है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल बात करूँ, अगर मान लीजिए फिटर है, इलेक्ट्रीसियन है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फिटर में जो है फिटर में 85% हाईएस्ट चला गया है, कोई ज़िला है, मान लीजिए कोई भी ज़िला लेते हैं, 85% हाईएस्ट चला गया है। इलेक्ट्रीशियन में मान लीजिए कि जो है 90+ हाईएस्ट चला गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लेते कोई ज़िला और है, जैसा मान लीजिए कोई ज़िला है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर मान लीजिए 86% गया है। तो अब यहाँ होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर एक ज़िला ऐसा जहाँ पर 90 गया है, एक ज़िला ऐसा जहाँ पर 86% गया है। तो इसका मतलब ये है कि वही ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग मेरिट बनती है, यही दोस्तों सत्यता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिले के अनुसार बनेगा, फिर इसके बाद ब्लॉक के अनुसार, फिर इसके बाद आपका कॉलेज के अनुसार रहेगा, फिर इसके बाद ट्रेड, फिर इसके बाद कैटेगरी के अनुसार रहेगा। आप जनरल में हैं, OBC में हैं, SST में आते हैं, क्योंकि उनमें जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पर जो है मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी, अब आगे प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों समझने की कोशिश करें कि मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कैसे क्या तैयार किया जाता है। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ए है, गवर्नमेंट कॉलेज बी है, गवर्नमेंट कॉलेज सी है, ठीक है, आप अपने ज़िले का ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 3 गवर्नमेंट कॉलेज भर रखे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 3 गवर्नमेंट कॉलेज भर रखे हैं। बहुत सारे से लोग हैं जो एक ही भरे हैं, जो 2 भरे हैं, जो 3 से ज़्यादा भरे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप 3 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज भरे हैं। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि आप इस 3 गवर्नमेंट कॉलेज में भरे हैं, यहाँ मान लेते हैं कि आपका 80% हाईएस्ट गया है, और मान लीजिए आपने फिटर यहाँ भरा है, ठीक है, यहाँ भी फिटर भरा है और यहाँ भी फिटर भरा है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन भी भरा आपने, यहाँ भी आपने इलेक्ट्रीशियन भरा हुआ है और यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन भरा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 80 चला गया है, यहाँ मान लेते हैं 85% चला गया है, यहाँ मान लेते हैं 90% चला गया है। ऐसा ही मेरिट जाता है अलग अलग ज़िले में, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग ब्लॉक वाइज, अलग अलग कॉलेज वाइज जाता है ऐसा मेरिट। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लेते यहाँ पर आपके मान लेते हैं कि आपके 81% हैं, अब मान लीजिए 81% है, तो आपका जो 80% जहाँ पे गया है गुरु कॉलेज ए में, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका नहीं होगा और यहाँ भी आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका इसमें तो हो गया। अब दूसरे लोग का सवाल ये होता है कि अगर किसी लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, क्या सिकल लिस्ट भी नाम आएगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो सेकेंड आगे मतलब किसी भी लिस्ट में, सेकेंड थर्ड किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपको नाम अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन ले लेना है वहीं पे, नहीं तो आगे फिर एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, आप उससे वंचित रह जाएंगे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने कॉलेज भरा था और मान लीजिए थे कि ये ट्रेड आपने भर रखा था, कॉलेज मिल गया, अब आपने ट्रेड भर रखा था। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो आपने ट्रेड भरा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ट्रेड है, ये किसी ने भरा था तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया है ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 ट्रेड किसी ने भरा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कॉलेज ए कॉलेज बी में 5 ट्रेड भरी गई थी, आपने भरा था, अब मान लेते हैं इसी 5ों में से आपको मिलेगा, अगर मान लेते हैं कि आपके 75% हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको सेकेंड लिस्ट की वेट करनी है, क्योंकि आपको जो है फर्स्ट लिस्ट में
नाम नहीं आया है क्योंकि मेरिट हाई चला गया होगा, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो आपको इन्हीं में से जो ट्रेड है यहाँ पे जो देख रहे हैं इन्हीं ट्रेडों में से आपको मिलेगा, लेकिन आपको सेकेंड लिस्ट के लिए वेट करना होगा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट के लिए कुछ करना नहीं होता है आपको। फर्स्ट लिस्ट की जब एडमिशन काउंसिलिंग खत्म हो जाती है तब सेकेंड लिस्ट जारी की जाती है, तो वहीं पर आपको वहीं पर वेट करना होता है। जैसे आपने अभी वेट कर रहे हैं फर्स्ट लिस्ट का, वैसे आपको फिर वेट करना होगा सेकेंड लिस्ट के लिए। एक बात दोस्तों और नोट करेंगे, अगर मान लेते हैं कि 50% आपका जो है 75% से भी कम है, या फिर जो है 60% से भी कम है, या फिर कोई परसेंट है, तो आप बहुत लोग से कमेंट ये कर रहे हैं कि जो है मेरा इतना परसेंट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो बता दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, बस सत्य अंतर इतना होता है कि अच्छे ट्रेड जो है वही नहीं मिल पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन आपका हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको तुरंत अपडेट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सूचना मिलती रहेगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।